हेलो भाइयों, मैं विशाल स्वागत करता हूं आपका अपने एक नए वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं बजाज की तरफ से आने वाली बाइक बजाज पल्सर N160। जैसे कि यहां पे अगर आप देखेंगे ये कलर मेरे सामने जो भी खड़ा, मतलब अभी तक मैं जो भी पल्सर वगैरह लेके आया था ब्लैक रेड थोड़ा ग्रे फिनिश में लेके आया था, और आज ये जो कलर मेरे सामने खड़ा है वाइट पर्ल ग्रे फिनिश में आपको देखने को मिलता है। तो देखेंगे यार कलर कॉम्बिनेशन कुछ काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है। यहाँ पर अगर मैं आपको ऑल ओवर अगर बाइक की बात करता हूँ इस वीडियो में, तो यहाँ पे आपको वाइट फिनिश देखने को मिलता है, इसके साथ ग्रे, थोड़ा यहाँ पे आपको ब्लैक एंड रेड फिनिश का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। जैसे कि रेड एंड ब्लैक है, तो यहाँ पे आपको बाइक के ऊपर ग्राफिक्स के स्टिकर देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आप अगर फ्रंट से देखें तो फ्रंट पे आपको कुछ रेड एंड ब्लैक फिनिश का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। यहीं पर अगर मैं अगर बात करूँ तो आज आप लोग इसी वीडियो में इसी बाइक का फुल रिव्यू देखेंगे जो कि हमारे सामने खड़ी है पल्सर 160। यहीं पर अगर इसके प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये बाइक आपको एक शोरूम 1,58,000 के आसपास देखने को मिल जाती है। और अगर आप लोग इस बाइक के ऑन रोड प्राइस जानना चाहते हैं तो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। आज आप लोग इस पूरी वीडियो में देखें कि बाइक फ्रंट से देखने में कैसी लगती है। जैसे कि अगर मैं फ्रंट से बताऊं तो फ्रंट से देखने में कैसी लगती है, साइड से देखने में कैसी लगती है। इसी के साथ अगर बाइक की बात की जाए तो आज आप लोग पूरी वीडियो में इसी बाइक का रिव्यू देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बाइक के फ्रंट प्रोफाइल से अगर मैं फ्रंट से अगर बात करूँ तो यहाँ पर आप अगर फ्रंट में देखें तो यहाँ पर आपको कुछ नॉर्मल आपको मतलब स्पोर्टी लुक के साथ ये बाइक देखने को मिलती है। देखिए पल्सर में आप जो भी मॉडल देखेंगे, चाहे 125 वाला हो जाए चाहे 150 वाला हो जाए, तो यहाँ पे आपको समथिंग 125 वाला जो होता है तो यहाँ पे आपको थोड़ा वाइजर वगैरह ऑफर किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा N160 है, अगर मैं जैसे कि यहाँ पर देखाऊँ तो यहाँ पर आपको वाइजिंग देखने को मिल जाती है N160 की, तो यहाँ पर आपको नॉन वाइजर देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको सीधे नंबर प्लेट की प्लेसमेंट, और यहाँ पर आपको जो भी ऊपर सेफ्टी वाइज होता है थोड़ा आपका मीटर कंसोल मतलब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर किया जाता है। बाकी यहाँ पर जो भी बाइक के डिटेल वगैरह नंबर वगैरह ये सब देखने को मिलता है। यहाँ पे नंबर प्लेट की प्लेसमेंट कुछ इस टाइप के देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पे आपको थोड़ा ब्लैक फिनिश में देखने को मिलता है एकदम ट्रांसफार्मर लुक में। और अगर नीचे की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको DRL देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप इग्निशन ऑन करेंगे तुरंत आपके DRL ऑन हो जाएंगे। और यहाँ पर आपको थोड़ा प्रोजेक्टर ऑफर किया गया जो कि आप देख सकते हैं कुछ LED में आपको प्रोजेक्टर देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको DRL देखने को मिलते हैं। और इस साइड की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको ग्राफिक्स के स्टिकर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको रेड एंड थोड़ा ब्लैक फिनिश आपको देखने को मिलता है। जैसे कि अभी मैंने आपको वीडियो में बताया था स्टार्टिंग में कि यहाँ पे बाइक वाइट फिनिश के साथ देखने को मिलती है, तो देखने में काफ़ी ज़्यादा कलर यूनिक लगता है। क्योंकि जैसे कि आप अगर देखेंगे यहाँ पर बजाज की प्लेटना वगैरह खड़े, यहाँ पर पल्सर जो भी आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ब्लैक एंड रेड फिनिश में ज़्यादा देखने को मिलती है, थोड़ा ब्लू फिनिश हो गया। ठीक है, वहाँ पर अगर बात करूँ तो यहाँ पर एक हमारी N125 खड़ी है एकदम ऑरेंज कलर में, देखने में काफ़ी ज़्यादा यूनिक लग रही। मतलब ये कलर आपको ऐसे देखने को मिलते हैं, अगर बाइक आपकी कहीं भी खड़ी है तो देखने में आपको अलग से पहचान लें कि भाई ये मेरी बाइक है, एकदम यूनिक लगती है। तो फ्रंट से मैंने आपको बताया था क्या कुछ देखने को मिलता है। नीचे अगर मटकाट की अगर मैं बात करता हूँ तो मटकाट आपको 2 पीस में ऑफर किया गया। यहाँ पर आपको थोड़ा आपको देखने को मिलता है बकेट टाइप का, जैसे कि आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका फिनिश हो गया, यहाँ पर वाइट फिनिश, बाकी यहाँ पर आपको थोड़ा ग्रे फिनिश, यहाँ पर हमारा थोड़ा ब्लैक, और यही और हमारा रेड फिनिश के कॉम्बिनेशन के साथ देखने को मिलता है। इस साइड की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको ABS डुअल चैनल देखने को मिलता है। और साइड से अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इसका रिफ्लेक्टर कुछ इस टाइप का। और अगर इस साइड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको ABS डुअल चैनल की वेजिंग देखने को मिल जाती है कुछ इस साइड में। नीचे की तरफ आपको देखने को मिलता है इसका रिफ्लेक्टर। और जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था तो यहाँ पे आपको डुअल चैनल ABS प्लस डुअल डिस्क आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको डिस्क प्लेट कुछ इस टाइप की देखने को मिलती है। और अगर यहाँ पे डिस्क प्लेट साइज़ की अगर बात की जाए तो समथिंग यहाँ पे हमें 270 के आसपास देखने को मिलती है, जो भी डिस्क साइज़ होगा मैं अभी आपको इसी वीडियो में कवर कराऊंगा। ये रही हमारी ABS की प्लेट, यहाँ पे आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिलता है। ये रहा हमारा कुछ रिफ्लेक्टर, यहाँ पे आपको कैलिपर कुछ इस टाइप के देखने को मिलते हैं। बाकी यहाँ पर अगर मैं टायर प्रोफाइल की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको टायर प्रोफाइल देखने को मिलता है, जो कि टायर वो अंदर होगा वो भी मैं अभी इसी वीडियो में कवर कराऊँगा। और अगर रिम की अगर बात की जाए मतलब यहाँ पे आपको अलॉय व्हील देखने को मिलता है। अगर डिज़ाइन की अगर बात की जाए जैसे कि यहाँ पे कुछ आपको अलग हटके देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको पल्सर की हर बाइक में मतलब बजाज की पल्सर पे आपको हर बाइक पे रेड एंड ग्रे फिनिश देखने को मिलता है। और अगर यहीं पे इसके लुक वाइज की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो इसका अलॉय है मतलब देखने में काफ़ी ज़्यादा अलग आपको देखने को मिलता है। जैसे कि अगर मैं आपको प्लेटना का दिखाऊँ तो यहाँ पर थोड़ा अलग, और यहीं पर पल्सर N160 जो हमारे सामने खड़ी है तो उसका भी कुछ लुक इस टाइप का देखने को मिलता है। जैसे मैंने आपको ऑल ओवर फ्रंट से दिखा दिया, फ्रंट से देखने में कैसी लगती है। यहाँ पे ये एक चीज़ रह गई थी, अगर इंडिकेटर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे इंडिकेटर आपको काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल ऑफर किए गए हैं। बाई चांस होता है हम लोग
गाड़ी घर के बाहर वगैरह पार्क कर देते तो बच्चे वगैरह मोड़ देते, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर बच्चे मोड़ेंगे भी तो आपके आसानी से टूटेंगे नहीं, तो यहाँ पे नॉर्मल कुछ इस टाइप की लगती है। फ्रंट से देखने में अगर मैं आपको सिंगल फ्रेम में देखूँ तो देखने में काफ़ी ज़्यादा मस्त लगती है। यहाँ पे हमारे DRL जो कि अभी जलेंगे तो मैं अभी आपको फुल फॉर्म में दिखाऊंगा कि इंडिकेटर इसके कैसे चलते हैं, DRL कैसे चलते हैं। तो फ्रंट से देखने में कुछ टाइप लगता है कि एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको मडगार्ड कुछ टाइप का देखने को मिलता है, मतलब समथिंग ऊपर से आपको लगा हुआ दिख रहा हो, मतलब लगा हुआ दिख नहीं रहा है, ऊपर से लगा हुआ। ये होगा हमारा ब्लैक फिनिश कि यहाँ पे वाइट फिनिश हो गया, ये ग्रे, ये ब्लैक, यहाँ पे रेड कॉम्बिनेशन कुछ इस टाइप का हमें देखने को मिलता है। चलिए बात कर लेते हैं साइड प्रोफाइल की। देखिए आप अगर साइड से देखें तो साइड से देखने में भी यार मस्त ही लगती है। यहाँ पे अगर साइड से देखें तो यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं टंकी के ऊपर, तो टंकी के यहाँ पे हमें देखने को मिलता है पल्सर कुछ हमारा होता है ब्लैक फिनिश के साथ कुछ। चलिए बात कर लेते हैं साइड प्रोफाइल के बारे में। तो साइड से आप देखें तो यहाँ पे मेन बात नज़र हमारी पड़ती है टंकी की, तो टंकी के ऊपर आपको देखने को मिलता है पल्सर कुछ इस टाइप का, मतलब आपको 3D में आपको होलोग्राम ऑफर किया जाता है। और नीचे की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको टंकी के ऊपर भी हमें ग्रे फिनिश के स्टिकर देखने को मिल जाते हैं, हमारा टैंक का कॉल देखने को मिलता है जो कि यहाँ तक, तो यहाँ पे भी पल्सर भी जहाँ पे आपको लिखा हुआ देखने को मिलता है वहाँ पे पल्सर वो भी आपका ग्रे फिनिश के साथ देखने को मिलता है 3D होलोग्राम के साथ। यहाँ पे साइड कॉल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी हमें ग्रे फिनिश देखने को मिलता है। नीचे कॉल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा वाइट ग्रे एंड ब्लैक एंड रेड फिनिश का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर नीचे की तरफ बात की जाए इंजन की, तो इंजन हमें देखने को मिलता है 160cc का इंजन के ऊपर हमें बजाज का स्टिकर ऑफर किया गया कुछ इस टाइप का, ताकि इंजन प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे हमें थोड़ा फाइबर, मतलब हार्ड फाइबर आपको, मतलब ABS फाइबर ऑफर किया गया। बाई चांस गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो थोड़ा नीचे से इंजन हमारा टच नहीं होता है, ताकि इंजन की सेफ्टी वाइज, मतलब इंजन में धूल मिट्टी ना जाए, तो उसके लिए यहाँ पे हमें इंजन की प्रोटेक्शन के लिए ऑफर किया गया है। और यहाँ पे अगर लेग गार्ड की अगर बात की जाए तो यहाँ पे लेग गार्ड हमें नॉर्मल साइज में देखने को मिलता है, मतलब स्पोर्टी लोग का तो यार छोटा ही ऑफर किया जाता है, बाकी आप आफ्टर मार्केट इसको बड़ा भी करवा सकते हैं, लेकिन छोटा तो इसमें फ़ायदा है, बाइक आप आराम से चलाएंगे तो थोड़ा लगने वगैरह की दिक्कत नहीं रहती। यहाँ पे आपको सिंगल हॉर्न का सेटअप देखने को मिलता है जो कि कुछ इस टाइप का ऑफर किया गया है। और जैसे कि अभी मैं इंजन की बात कर रहा था, तो इंजन हमें कुछ 160cc का देखने को मिलता है। यहीं पे अगर बात की जाए रियर ब्रेक की, तो हमें कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है, ये रही हमारी फुटरेस्ट जो कि यहाँ पे हमें रबड़ के कॉम्बिनेशन के साथ देखने को मिलती है। और यहीं पे हमारा देखने को मिलता है रियर ब्रेक ऑयल कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। यहाँ पे हमारी देखने को मिलती है हमारी रियर फुटरेस्ट जो कि कुछ मेटल में ऑफर की गई है। और अगर बैक टायर की अगर बात की जाए, जैसे कि अगर मैं आपको बैक टायर दिखाऊं तो यहाँ पे हमें कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है बैक टायर, तो चलो मैं एक बार आपको फिर से दिखा दूंगा। यहाँ पे अगर देखने को मिलती है 160cc की वेजिंग, मतलब N160, यहाँ पे जो भी आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है ग्रे फिनिश का, ग्रे में आपका स्टिकर देखने को मिलता है, N160 आपका ब्लैक फिनिश, बाकी यहाँ पे आपको रेड फिनिश का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। अगर यहीं पे साइड कॉल की अगर बात की जाए जो कि हमारा वाइट फिनिश के साथ देखने को मिलता है। चलिए बात कर लेते हैं बैक प्रोफाइल की, अगर आप बैक से देखें तो बैक से देखने में कुछ इस टाइप की लगती है। यहाँ पे अगर टायर प्रोफाइल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको टायर प्रोफाइल कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है कि आप अगर टायर प्रोफाइल देखेंगे अगर मैं आपको, तो यहाँ पे आपको 130x70 R17 का टायर देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको डुअल चैनल ABS विद डुअल डिस्क के साथ ऑफर किया गया, बाकी यहाँ पे आपको कैलिपर कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। यहीं पे अगर बैक प्रोफाइल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे बैक प्रोफाइल में, तो यहाँ पे आपको कुछ टेल लाइट इस टाइप की देखने को मिलती है। यहाँ पे टेल लाइट में बनता है हमारा X जो भी अभी बनता है, बाकी मैं अभी आपको लाइट जला के भी दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको LED लाइट का सेटअप देखने को मिलता है। और अगर नीचे इंडिकेटर की अगर बात की जाए तो यहाँ जैसे कि जल गई है, जैसे कि आप टेल लाइट देखेंगे तो यहाँ पे आपको X बनता आपको नज़र आएगा। और अगर जरा हमारा इंडिकेटर कुछ इस टाइप का लगता है, इंडिकेटर में आपको हैलोजन लाइट का सेटअप देखने को मिलता है जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे वाइट फिनिश, अंदर आपको ऑरेंज देखने को मिलता है। और नीचे की तरफ अगर बात की जाए तो यहाँ पे हमें कुछ रिफ्लेक्टर इस टाइप का देखने को मिलता है। यहाँ पे नंबर प्लेट की लाइट, नंबर प्लेट की पेसमेंट और नंबर प्लेट की लाइटिंग कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है जो कि आप देख सकते हैं। नीचे की तरफ ये होगा हमारा नंबर प्लेट। और अगर पीछे मडगार्ड की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हमें शॉर्ट फॉर्म में मडगार्ड ऑफर किया गया है जो कि आप बोल सकते हैं 2-पीस में देखने को मिलता है। एक तो हमारा यहाँ पे हो गया, बाकी यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। नीचे आपको सस्पेंशन ऑफर किया गया है जो कि हमारा डबल स्प्रिंग होगा, जो भी होगा मैं अभी आपको इसी वीडियो में कवर कराऊंगा। अगर इस साइड की अगर बात की जाए तो यहाँ पे टायर प्रोटेक्शन के लिए आपको ग्रिल देखने को मिलता है, मतलब सॉरी टायर प्रोटेक्शन के लिए क्या, मतलब लेडीज वगैरह बैठती हैं वैसे यार, तो साड़ी वगैरह अंदर ना जाए इसके प्रोटेक्शन के लिए हमें ग्रिल ऑफर किया गया।
यहाँ पे हमें देखने को मिलता है फुटरेस्ट, जो कि कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको टायर प्रेशर वगैरह सभी कुछ देखने को मिलता है कि आपका रियर टायर में और फ्रंट टायर में आपको क्या कुछ हमें देखने को मिलता है, कौन कितना आपको एयर प्रेशर यहाँ पे आपका देखने को मिलता है। फ्रंट यहाँ पे आपका रियर टायर ऑफर किया जाता है, जो कि आप देख सकते हो। तो अगर यहाँ पे चैन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको चैन वगैरह ओपन ऑफर की गई है। चलिए बात कर लेते हैं इसकी गियरिंग के बारे में। तो यहाँ पे हमें समथिंग 5 स्पीड गियर मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है, जिसका गियरिंग शिफ्टिंग पैटर्न 1 डाउन एंड 4 अप कुछ इस टाइप का होगा। बाकी जो भी होगा मैं अभी आपको चेक करके भी बताऊँगा। अगर इस साइड की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको इंजन पे भी बजाज का लोगो देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया था, यहाँ पे भी आपको N160 की वेजिंग देखने को मिलती है, तो उसी तरह आपको यहाँ पे भी N160 की वेजिंग देखने को मिल जाती है। चलिए बात कर लेते हैं सीट की। तो यहाँ पर आपको स्प्लिट सीट ऑफर की गई है 2 पीस में, जैसे कि आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी सीट 2 पीस में ओपन होती है। यहाँ पर आपको पल्सर की वेजिंग देखने को मिल जाती है, कुछ इस टाइप की सीट भी यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी ऑफर की गई है। एकदम कंफर्टेबल सीट है, जैसे कि नॉर्मल बजाज की हर बाइक में देखने को मिलती है, ठीक उसी तरह यहाँ पे भी आपको सीट कंफर्टेबली देखने को मिलती है। और अगर यहीं पे ग्रैब हैंडल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ग्रैब हैंडल भी ठीक ठाक ऑफर किया गया, आराम से आप पकड़ पाएंगे। जैसे कि कुछ लोग ड्राइव करते हैं 3 लोगों को बैठा के, तो जिस हिसाब से आप करें तो आराम से आपका जो भी हमारा पहले लुक आता था TVS की बाइक अपाची में, ठीक उसी तरह आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल देखने को मिलता है। चलिए बात कर लेते हैं इस साइड की। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा ब्लैक फिनिश के साथ वर्क देखने को मिलता है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा हमारा ब्लैक, यहाँ पे थोड़ा आपका लुक वाइज आपको थोड़ा अलग चेंज देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको इंजन के बारे में बता दिया। और अगर टंकी की अगर बात करते हैं तो टंकी के ऊपर आपको कुछ इस टाइप का ऑफर किया जाता है, यहाँ पर E20 की वाइजिंग तो सभी लोग जानते हो, अगर मेरे पुराने वीडियो देखते हो। मैं इसका मतलब ये 20% हमारा इथेनॉल एंड 80% पेट्रोल का कॉम्बिनेशन होता है, जिसकी वजह से बाइक थोड़ा अच्छा माइलेज हमें प्रोवाइड कराती है। और अगर यहाँ पे अगर बात की जाए तो पूरी टंकी पे आपको वाइट फिनिश देखने को मिलता है, यहाँ पे हमारे ग्रे फिनिश के स्टिकर हो गए। तो अगर टंकी के कॉल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हमें 3D में होलोग्राम देखने को मिलता है, पल्सर कुछ इस टाइप का लगा हुआ होता है। तो अगर साइड कॉल की अगर बात करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको उस साइड बताया था, तो एक बार मैं आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर भी आपको ऑफर किया गया है ग्रे फिनिश, वही हमारा ब्लैक एंड रेड फिनिश का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। तो ये हुई हमारी टंकी, नॉर्मली हमारा टंकी ओपन करने के लिए ढक्कन वगैरह जो भी आप बोलना चाहें। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है इसका USB चार्जिंग पोर्ट, क्योंकि यहाँ पे अच्छी बात है, जैसे कि आप ड्राइव वगैरह कर रहे हैं तो फ़ोन वगैरह आराम से लगा के अपना चार्ज हो जाएगा, बाई चांस रेस्ट पोजीशन पे तो भी आपकी बाइक से आपका फ़ोन आराम से चार्ज हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं की फॉर्म की। तो यहाँ पर हमें की कुछ इस टाइप की देखने को मिलती है, की के दोनों साइड हमें बजाज का लोगो देखने को मिलता है, मतलब 2 की ऑफर की जाती हैं हर बाइक के साथ, जो कि कुछ इस टाइप की हैं। और अगर बात की जाए इग्निशन स्विच के बारे में, तो हमें यहाँ पे कुछ इग्निशन स्विच इस टाइप का देखने को मिलता है, लॉक पुश ये सब ऑफर किया गया है। चलिए एक बार ऑन करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ मीटर कंट्रोल इस टाइप का ऑफर किया गया है, इस साइड आपको ऑफर किया जाता है ABS का साइन, चेक इंजन लाइट, ये हमारा फ्यूल गेज हो गया, यहाँ पे आपके गियर की पोजीशन आती है लिख के, जैसे ही चेंज होते रहेंगे वैसे यहाँ पे आपके पढ़ते रहेंगे। बाकी ये बाइक हमारी है ब्लूटूथ वाली, तो अभी लिख के आ रहा था हमारा इग्निशन ऑफ कुछ इस टाइप का, लेट अस रेडी, बाकी इग्निशन ऑफ है। ये रहा हमारा स्पीडोमीटर, यहाँ पे साइन आ रहा है हमारा ब्लूटूथ का। बाकी यहाँ पे आपको ओडोमीटर ट्रिप ए ट्रिप बी वगैरह आप आराम से यहीं से सेट कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे कुछ ऊपर की तरफ हमारा RPM मीटर है, ये रहा हमारा फ्यूल गेज, यहाँ पे गियर, यहाँ पे आपकी टाइमिंग वगैरह आती है। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है लो बीम एंड हाई बीम का, मतलब पासिंग का भी खैर चल रहा है, बाकी हमारा लो बीम हाई बीम यहीं पर सपोर्ट करता है। और ऊपर की तरफ अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमारा इंडिकेटर कुछ इस टाइप के चलते हुए लगते, मतलब इंडिकेटर के साइन आपको कुछ इस टाइप के देखने को मिलते हैं, लेफ्ट राइट, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पे मीटर के बारे में बताया। तो यहाँ पे आप देखेंगे मीटर तो आपको नॉर्मल देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कनेक्ट देखने को मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लूटूथ का साइन है। यहाँ पे आपको बजाज का लोगो देखने को मिलता है, आप लोग इसे देख लो, यहाँ पे कहीं पे मोड एंड जो भी होता है हमारा
साइट वगैरह करने को कोई ऑप्शन नहीं देखने को मिलता। तो यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बता दूँ, जैसे कुछ लोग तो खैर जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों ने हर ज़्यादातर बाइकें देखी होंगी। अगर मैं आपको दिखाऊँ जैसे कि ये जो हमारे सामने खड़ी है पल्सर, तो यहाँ पर आपको सेट और रीसेट के लिए बटन ऑफर किया गया जो कि आप देख सकते हैं। लेकिन आपको जो हमारे सामने पल्सर खड़ी हुई है N160, तो यहाँ पर आपको नहीं ऑफ़र किया जाता है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ों को सेट करने के लिए, जैसे कि आप जब ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएगा, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे आपको कॉल बैटरी वगैरह मैसेज वगैरह सभी का साइन देखने को मिल रहा है। देखिए ऑफ़ करता हूँ, देखेंगे आप तो यहाँ पे ये सब देख रहे होंगे। जब ये बाइक आपके फ़ोन से कनेक्ट हो जाएगी तो आराम से आप लोग बाइक का मीटर अपने हिसाब से चेंज कर पाएंगे, चाहे ट्रिप ए हो, ट्रिप बी, ओडो, मतलब एक्स वाई जेड जो भी कुछ चेंज होता है वो सब आप लोग कुछ इस टाइप से चेंज कर पाएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी आपको मीटर कंसोल दिखाया था, मीटर में आपको ये सब देखने को मिलता है। यहाँ पे आरपीएम मीटर ऊपर की तरफ, यहाँ पे फ्यूल गेज वगैरह ऑफर किया है। और अगर बात की जाए हैंडल बार की, तो यहाँ पे आपको कुछ ये सब देखने को मिलते हैं। ये रहा हमारा पासिंग के लिए, बाकी यहाँ पे एम मोड वगैरह, ये हमारा बैटरी के लिए होता है, जब गाड़ी बैटरी वगैरह आप लगाते हैं तब। बाकी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इंडिकेटर का स्विच, यहाँ पे हो गया हमारा बीप। और इस साइड की अगर बात की जाए वही हमारा ऑन ऑफ का बटन, यहाँ पे रहा हमारा लाइटिंग जब आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे तब जलता है। बाकी यहाँ पे आपको सेल्फ देखने को मिलता है, इस तरफ हो गया एक्सीलेटर, ये रहा हमारा फ्रंट ब्रेक, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है क्लच। और अगर ORVM की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हमें ORVM को जिस टाइप के देखने को मिलते हैं, जो कि फ्रंट से देखने में कुछ हमें ऐसे लगते हैं, तो मतलब फ्रंट से मैंने दिखाया था। बाकी अगर लाइट की जैसे कि मैं बात कर रहा था, तो ये आपकी तब जलती है जब आपकी इग्निशन ऑन होता है, अभी तो खैर ऑफ है। बाकी अगर लो बीम एंड हाई बीम की मैं बताऊँ, तो यहाँ पर जो हमें प्रोजेक्टर कंपनी ने ऑफ़र किया है, तो काफ़ी अच्छा है। मतलब जैसे अगर मैं थ्रो की अगर बात करूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर थ्रो की अगर बात करूँ जो कि आप देख सकते हैं, थ्रो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैंने आपको ऑल ओवर दिखा दिया इस बाइक में हमें कौन सा इंजन देखने को मिलता है, क्या कुछ देखने को मिलता है। बाकी अगर जो चीज़ बची अभी पावर एंड परफॉर्मेंस के बारे में, वो मैं अभी आपको इसी वीडियो में कवर कराऊँगा। जैसे छोटी छोटी बातें कुछ रह गई, यहाँ पर आपको आगे पीछे दोनों तरफ ट्यूबलेस टायर ऑफ़र किए जाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इंजन के बारे में। तो इस बाइक में आपको 164.82 सीसी का इंजन देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर पावर की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम पावर 15.68 bhp की मैक्सिमम पावर, 8750 rpm। और अगर टॉर्क की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे आपको 14.65 nm का मैक्सिमम टॉर्क 6750 rpm पे देखने को मिलता है। ट्रांसमिशन वाइज यहाँ पे आपको 5-speed गियर मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। और अगर यहीं पे माइलेज की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे 160 सीसी का इंजन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं यहाँ पे समथिंग आपको 50 km/h का माइलेज ऑफर देखने को मिलता है। बाकी यार चलाने वाले बंदे के ऊपर बात रही, कौन बंदा कैसे ड्राइव करता है कैसे नहीं। आगे पीछे आपको डुअल डिस्क डुअल चैनल ABS के साथ ऑफर किया गया। यहाँ पे व्हील टाइप यहाँ पे आपको अलॉय ऑफर किया गया। कर वेट की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे आपको समथिंग 150-152 kg का देखने को मिलता है। और अगर यहीं पे इस बाइक की टॉप स्पीड की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे आपको 120 km/h की टॉप स्पीड देखने को मिलती है। टायर टाइप यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ट्यूबलेस टायर आपको देखने को मिलता है। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी यहाँ पे आपको 14 लीटर देखने को मिलती है। फ्यूल टैंक यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ा देखने को मिलता है, तो उसी हिसाब से आपको कैपेसिटी भी देखने को मिलती है, समथिंग 14 लीटर। और अगर यहीं पर अगर राइडिंग रेंज की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर फुल टैंक होने के बाद समथिंग 722 किलोमीटर तक आराम से आप लोग चला पाएंगे। स्पार्क प्लग यहाँ पे आपको 2 pair ऑफ सिलेंडर ऑफर किया गया है। यहीं पे अगर जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपको 14 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। और अगर इसी के रिजर्व फ्यूल टैंक कैपेसिटी की अगर बात करूँ, तो यहाँ पे आपको 2.8 लीटर की रिजर्व फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलती है। एम्बिशन स्टैंडर्ड यहाँ पे आपको BS6 फेस 2 देखने को मिलता है, फ्यूल टाइप पेट्रोल। चलिए बात कर लेते हैं ब्रेक व्हील्स एंड सस्पेंशन की। तो यहाँ पे आपको फ्रंट सस्पेंशन जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो सस्पेंशन आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको फ्रंट सस्पेंशन टेलीस्कोपिक 37 mm। और रियर सस्पेंशन की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे आपको मोनोक्रॉस विद नाइट्रॉक्स सस्पेंशन देखने को मिलता है। ब्रेकिंग टाइप यहाँ पे आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिलता है, जैसे कि फ्रंट का तो मैं आपको दिखा चुका हूँ। और अगर रियर की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का आपको सस्पेंशन एंड ब्रेक ऑफर किया गया, जो कि आपका डुअल चैनल है। फ्रंट डिस्क की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर आपको फ्रंट डिस्क 300 mm ऑफर की गई है। और अगर रियर डिस्क साइज की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे आपको 230 mm देखने को मिलता है। कैलिपर टाइप यहाँ पे आपको डुअल पिस्टन ऑफर किया गया है। व्हील टाइप यहाँ पे आपको अलॉय ऑफर किया गया। आगे पीछे के व्हील यहाँ पे आपको सेम साइज़ के देखने को मिलते हैं, 17 इंचेस के। फ्रंट टायर प्रोफाइल की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे आपको 100/80 R17। और अगर रियर टायर प्रोफाइल की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर आपको 130/70 R17 का हमें देखने को मिलता है। टायर टाइप ट्यूबलेस ऑफर किया गया है।
चलिए बात कर लेते हैं डायमेंशन एंड चेचिस के बारे में। तो इस बाइक में आपको कर्व वेट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको 154 केजी का कर्व वेट, सीट हाइट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको 795 mm सीट हाइट देखने को मिलती है, जो कि आपको स्प्लिट हिट टू पीस में ऑफर की गई है। इसी के साथ अगर ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको 165 mm, और अगर ओवरऑल लेंथ की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको 1989 mm की ऑफ़र की जाती है। चलिए बात कर लेते हैं ओवरऑल विड्थ की, तो यहाँ पे आपको विड्थ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है, 743 mm, और अगर ओवरऑल हाइट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको 1050 mm, और अगर व्हील बेस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको 1358 mm का व्हील बेस देखने को मिलता है। चलिए बात कर लेते हैं मैनुफैक्चर वारंटी के बारे में, तो यहाँ पर आपको 5 साल स्टैंडर्ड वारंटी या फिर 75,000 किलोमीटर की वारंटी ऑफर की जाती है बजाज की हर बाइक में। जैसे कि नॉर्मल एक आध बाइक ऐसी होगी जिसमें ऊपर नीचे आपको देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको 5 साल या फिर 75,000 किलोमीटर, मतलब जो भी चीज़ आपकी पहले हो जाएगी उसी हिसाब से आप वारंटी क्लेम कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको ऑल ओवर बता दिया कि यहाँ पे आपको मीटर के बारे में मैंने बता दिया, यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का सब कुछ ऑफ़र किया गया है। और अगर फ्रंट इंडिकेटर की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊँ तो जलते हुए आपको कुछ फ्रंट इंडिकेटर कुछ इस टाइप के लगते हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको ऑल ओवर बता दिया इस बाइक में हमें क्या कुछ देखने को मिलता है क्या कुछ नहीं। सोच रहे होंगे कि यहाँ पे अगर प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये बाइक हमारे सामने खड़ी है बजाज पल्सर N160। चलिए बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइसिंग की, तो अगर मैं बात करूँ तो ये बाइक आपको 1,33,000 की पड़ जाती है एक्स शोरूम, और अगर ऑन रोड प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये बाइक आपको ऑन रोड 1,58,539 रुपये की पड़ जाती है ऑन रोड उत्तर प्रदेश पीलीभीत में। और अगर आप लोग इस बाइक के ऑन रोड प्राइस अपनी सिटी के जानना चाहते हैं तो आप लोग नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अपनी सिटी का नाम, वहाँ से मैं चेक करके आपको आपके सिटी के ऑन रोड प्राइस बता दूंगा। तो गाइस यहाँ पे मैंने ऑल ओवर इस बाइक के बारे में बता दिया, जो भी बाइक हमारे सामने खड़ी है बजाज पल्सर N160। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का था इस बाइक का रिव्यू। वीडियो आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।